भारत की स्थिति इतनी अजीब है कि इस पर टिप्पणी करना सबसे मुश्किल काम है। ये कैसा कृषि प्रधान देश है जहां सबका पेट भरने वाला किसान खुद भूखा सो रहा है, खुद की जान ले रहा है। कैसा देश है ये जहां किसानों के लिए पास हो रहे बिल को किसानों का ही समर्थन नहीं मिल रहा है। सत्ता में आते वक्त मोदी सरकार ने ये वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। इस वक्त की खबर ये है कि केंद्रीय सरकार ने एक नया किसान बिल जारी किया है जिसमें 3 अध्यादेश है जिनमें से 2 को पास कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि वो दोनों अध्यादेश अब कानून बनने वाले हैं। पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, दूसरा है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 और तीसरा है द एसेंशियल कॉमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। ये तीसरा बिल 1955 में पेश किया गया था और काफी वक्त से उसमें बदलाव करने की बात की जा रही थी। सारे बिल अध्यादेश के रूप में राष्ट्रपति ने आर्टिकल 123 के तहत जारी किए थे जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी। सरकार का कहना ये है कि इन बिलों का लागू होना एक ऐतिहासिक फैसला है और ये देश के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। पहले बिल के तहत वन नेशन वन मार्केट की बात की गई है। इसका मतलब ये है कि देश के किसान देश के किसी भी कोने में अपनी फसल का व्यापार कर सकते हैं। ये बिल किसानों को अन्य प्रदेशों में व्यापार करने में आने वाली दिक्कतों में कुछ सहूलियत देगा और उनका काम आसान करने के साथ साथ उन्हें व्यापार बढ़ाने में मदद भी करेगा। किसान अब सिर्फ APMC यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की मंडियों में फसल नहीं बेचेंगे। यहाँ मैं आपको APMC के बारे में थोड़ा समझा देती हूँ। किसानों के साथ हो रही नाइंसाफी को रोकने के लिए 1965 में APMC एक्ट अनाउंस किया गया था जिसके अंतर्गत हर राज्य में राज्य सरकार के अंतर्गत मंडियां सेट की गई थी। इन मंडियों में किसान अपनी फसल अड़तियों को बेचते थे और वो अड़तीय उसका व्यापार करते थे। हर अड़तीय रजिस्टर्ड होता था। इसमें कुछ दिक्कतें थी जैसे कि अड़तीय अपना फायदा बढ़ाने के लिए किसानों से फसल कम दामों में खरीदते थे और उन्हें ज्यादा दामों में बेचा करते थे जिससे हमारे किसानों को बहुत नुकसान झेलना पड़ता था। इसके साथ ही पूरे देश के राज्यों में मंडी फीस एक समान नहीं थी। किसानों और उनके ग्राहकों के बीच के आदमी को हटाने के लिए ईनाम यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट भी लाया गया था जिसमें होलसेल प्रोड्यूस मार्केट को सीधे ट्रेडिंग पोर्टल से जोड़ दिया जाता था। अब बात करते हैं दूसरे बिल की जिसके तहत किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकेंगे। मैं आपको सरल भाषा में समझा देती हूँ। अगर मैं एक बड़ी चिप्स बनाने वाली कंपनी हूँ तो मैं किसान के साथ एक तय दाम पर सौदा कर लूंगी कि उनके आलू 20 रुपए किलो में मैं खरीदूंगी और ये डील फसल होने के पहले ही कर ली जा सकती है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि किसान को ये आश्वासन रहेगा कि उनकी फसल बर्बाद नहीं होंगी और उन्हें दाम भी सही दिए जाएंगे। अब ये फसल बर्बादी हमें ले आती है हमारे तीसरे बिल पे जिसके तहत जब तक कोई बहुत बड़ी आपदा या नेशनल इमरजेंसी नहीं आती सरकार ने अनाज के स्टोरेज लिमिट को हटा दिया है। इसका मतलब ये है कि सरकार किसान से कितनी फसल खरीदेगी ये तय नहीं है। मैं आपको सरकार और किसान के बीच में खरीदने और बेचने के बारे में थोड़ा समझा देती हूँ। किसान अगर चाहे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP पर अपनी फसल सरकार को सीधे सीधे बेच सकते हैं। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो दाम है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है ताकि अगर अनाज के उत्पाद ज्यादा हो जाए तो किसानों को कोई नुकसान झेलना ना पड़े। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि इस बिल में क्या क्या था। अब इस बिल में जो चीजें आने वाली हैं उनके नुकसान क्या क्या है लोगों की नजर में हम उन पे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले बिल की जिसे सबसे ज्यादा विरोधों का सामना झेलना पड़ रहा है। इस बिल के सेक्शन 2M में एक ट्रेड एरिया डिफाइन किया गया है। ये ट्रेड एरिया वो जगह है जहां पर किसान अपनी फसल को बेच सकते हैं। इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस ट्रेड एरिया में APMC की मंडियों को कोई जगह नहीं दी गई है। इसका मतलब ये है कि APMC को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है। इससे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जैसे कि ये कि अगर APMC नहीं तो किसान जहां जाकर अपनी फसल का सौदा करेंगे उसका मैकेनिज्म क्या है, उसे डिफाइन नहीं किया गया है। दूसरा ये
कि जब हम अन्य राज्यों में जाकर ट्रेड करेंगे तो क्या वहाँ हमें बीच में कोई दलाल या कोई मिडिलमैन नहीं मिलेगा? खरीदने बेचने की जो ताकत है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के भी हाथ में दी जा रही है। तो लोगों का ये कहना है कि एपीएमसी के हाथ अब बांध दिए गए हैं और सारी ताकत, इंग्लिश में कहा जाए तो अपर हैंड, अब सारे कॉर्पोरेट्स के पास है। इसकी वजह से सबसे बड़ा खतरा ये है कि इतनी ताकत मिलने से हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अब कॉर्पोरेट्स की मोनोपोली हो जाए। इसके साथ अब दूसरी दिक्कत ये है कि पहले बिल के सेक्शन 2N में ट्रेडर्स की जो परिभाषा दी गई है उसके मुताबिक कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास एक पैन कार्ड है वो एक ट्रेडर बनने के लिए रजिस्टर कर सकता है। यहाँ दिक्कत क्या होने वाली है मैं आपको ये समझाती हूँ। एपीएमसी काफी साल से भारत का हिस्सा रहा है और किसान काफी सालों से उसमें व्यापार कर रहे हैं, तो एपीएमसी के जो अधिकारी हैं उनके और किसानों के बीच में एक भरोसा बैठा हुआ है। ये भरोसा किसी नए ट्रेडर के साथ बनाने में बहुत वक्त लग सकता है और किसानों के मन में ये शंका है कि शायद जो नए ट्रेडर्स आएंगे वो किसानों का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। अब इसके साथ आते हैं हमारे तीसरे बिल की दिक्कत पर। फसल खरीदने की लिमिट ना होने से एमएसपी पर प्रभाव पड़ सकता है और ये किसानों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? सरकार ये तो कह रही है कि एमएसपी को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन एमएसपी किस तरीके से प्रभावित होगा अभी इस पर कोई बात नहीं की गई है। एमएसपी होता क्या है? जब हमारे पास फसल ज्यादा होती है हम सरकार को उसे बेच देते हैं और सरकार उसे खरीद कर अपने स्टॉक में रख देती है। अगर स्टॉक ही नहीं रहेगा तो ये कैसे तय होगा कि सरकार कितनी फसल खरीदने वाली है? इसके अच्छे मायने भी हो सकते हैं कि हो सकता है सरकार ज्यादा फसल खरीदे, लेकिन ऐसे होने के चांसेस बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। एमएसपी से हालांकि 100 में से बस 5 या 6% किसान फायदा लेते हैं, लेकिन ये फायदा बहुत ज्यादा अच्छा होता है और किसानों के मन में अब डर ये है कि अगर सरकार उनसे कम फसल खरीदेगी तो एमएसपी में बहुत ज्यादा गिरावट देखी जा सकती है। अब बात करते हैं हम रेवेन्यू से रिलेटेड दिक्कतों पे। सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग अब कोई मार्केट फीस नहीं होगी। मैं आपको यहाँ ये बता देती हूँ कि इससे पहले करीब करीब 8.5% मार्केट फीस थी, जिसमें 3% मार्केट फीस थी, 3% रूरल डेवलपमेंट चार्ज था और 2.5% अगतिया कमीशन हुआ करता था। इन नए बिलों में एपीएमसी को जगह ना मिलने की वजह से जितने भी अड़हतियां थी उनकी नौकरी पर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उन्हें कमीशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर सारे के सारे किसान बाहर जाकर चीजें बेचने लग गए तो शायद उन्हें बेरोजगारी का सामना भी करना पड़ेगा। इसके साथ ही अब हम आ जाते हैं सेक्शन 8 पर। सेक्शन 8 के तहत जो किसान कोई दिक्कत होने पर सीधा सिविल कोर्ट चले जाते थे, अब वो सिविल कोर्ट ना जाकर एसडीएम के पास जाएंगे। उनकी दिक्कत एसडीएम सुनेंगे और उसे वो आगे ही किसी कमिटी को ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिस चीज का फैसला पहले सीधा सीधा कानून कर लिया करता था उसकी ताकत भी अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हाथ में दे दी गई है। लोगों के मन में ये बहुत बड़ी चिंता है कि अगर इस कमेटी में भी भ्रष्टाचार ने अपनी जगह बना ली तो किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना झेलना पड़ेगा और हो सकता है कि उन्हें न्याय मिले ही ना। हालांकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा है कि जो भी नए बिल्स आ रहे हैं उनसे हमारे पहले के एपीएमसी एक्ट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लोगों के मन में बहुत ज्यादा शंकाएं हैं, इसीलिए पंजाब और हरियाणा में खास करके इन बिलों ने बहुत ज्यादा विरोध देखा है। 24 से 26 सितंबर के बीच में भी पंजाब और हरियाणा में रेल रोको का प्रदर्शन होगा। लोगों का ये मानना है कि ये जो नए बिल आ रहे हैं वो अभी के एमएसपी सिस्टम को पूरी तरीके से खराब कर देंगे और किसानों को किसी भी तरीके का फायदा नहीं मिलेगा। सरकार ये तो कह रही है कि एमएसपी अभी भी रहेगा, लेकिन वो बेहतर होगा या उसमें हम कुछ कमी देखेंगे इसके बारे में भी कोई बात नहीं की जा रही। केंद्र की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस बिल को एंटी फार्मर कहकर अपनी पोजीशन से रिजाइन भी कर दिया है। इन सारे बिलों को राज्यसभा में भी बहुत ज्यादा विरोध झेलना पड़ा था। बात इस हद तक बढ़ गई थी कि सांसदों के बीच हाथापाई भी हुई और ऑपोजिशन के टेलीकास्ट के दौरान माइक्स भी ऑफ किए गए। अब हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा बिल पास हो रहा है कि जिनके लिए है वो भी इससे सहमत नहीं है और जो ऑपोजिशन वाले बैठे हैं वो भी उनसे सहमत नहीं है, लेकिन जो हमारी सरकार है वो ये कह रही है कि ये बिल हमारे लिए ऐतिहासिक है। अब ये बिल क्या क्या परिणाम लेकर आएंगे और सच में हमारे देश और किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो हमें हमारा GDP का ग्राफ और वक्त ही बताएगा। इस खबर में बस इतना ही। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम उसे आप तक पहुंचाते रहेंगे।
अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। स्क्रीन पर दिख रही डिटेल से आप हम तक डोनेशन जरूर पहुंचा सकते हैं। मैं हूँ सौम्या राठी, कैमरे के पीछे है वरुण झा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।